हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज जावेद। मेरे साइबर चैनल में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो एडमॉब का बैनर ऐड है, हम आप बैनर ऐप को मेरा हमारा ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? बैनर ऐप को आप मेरा ऐप में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप भी आपको बैनर ऐप में आपका ऐप में इसी तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं और मानियान कर सकते हैं, क्योंकि इस बैनर ऐप से आपको मानियान होता है, वो आपको जरूर पता है, इसीलिए आप ये वीडियो देखने आए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बैनर ऐप से कैसे इंप्लीमेंट करना है मेरे ऐप पे। तो पहले आप क्रोम ओपन कर लेंगे। क्या ओपन करना? क्रोम ओपन करना, उसके बाद टच करना, उसके बाद टाइप करना बैनर एड्स एडमोड, ऐसे ऐसे ही टाइप कर लेना बैनर ऐप एडमोड। और ये बंदा जो वेबसाइट ओपन होगा, ये बंदा जो वेबसाइट फर्स्ट बना, वो जो developers.google.com, ये बना बैनर ऐप जो ओपन होगा यहाँ पर क्लिक कर लेना। ओके, क्या करना? बैनर ऐप क्लिक कर लेना, उसके बाद बैनर एड्स के बाद, उसके बाद एड फर्स्ट आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक करना, गूगल एडमोड की गेट स्टार्टेड में। ये बंदा जो रिपोजिस्टरी है, रिपोजिस्टरी गूगल, ये बंदा जो है ये कॉपी कर लेना। और आपको कहाँ पर आना है? आपको हमारा प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पर गाइडेंस स्क्रिप्ट में आना है। और ये वाला जो फाइल है गाइडेंस ग्रून एप्स वाला और मॉड्यूल वाला, ये दोनों ही आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो गूगल डॉट गाइडेंस, यहाँ पर रिपोजिस्टरी गूगल आपको पेस्ट कर देना। मेरा तो पहले से ही पेस्ट है, तो आपका अगर पेस्ट है तो ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये बंदा जो है इंप्लीमेंटेशन एक देना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो डिपेंडेंसी है, ये वाला डिपेंडेंसी आप कॉपी कर लीजिए और एंड्रॉइड ऐप में आ जाइए। और ये वाला जो बून डॉट ग्रेडेंट या मॉड्यूल वाला जो है, बून डॉट ग्रेडेंट या मॉड्यूल वाला है, यहाँ पर डिपेंडेंसी में आ जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। क्या करना है? यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद मैं साइन नहीं कर देता हूँ। इसके बाद आपको साइन करना है। ओके, आप प्रोजेक्ट में नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद आपको साइन करना है, सिंक करना है। तो मैं सिंक करता हूँ इसको। सर दोस्तों, मेरा ये बोल्ड गार्डन हो गया। तो ओके, तो अब हम इंप्लीमेंट करेंगे एड्स को। ओके, ये वाला जो फाइल है इसको क्लोज कर देना, ये वाला फाइल है इसको क्लोज कर देना। आप क्या ओपन करेंगे? आप एक्टिविटी डॉट मेन ओपन कर लीजिए, एक्टिविटी मेन ओपन कर लीजिए, मेन एक्टिविटी ओपन कर लीजिए, जावा वाला फाइल। और ये वाला जो हमारा है क्या फाइल है? ये एक्सीमेंट फाइल है। क्या फाइल है? एक्सीमेंट फाइल है। ओके, तो अब मैं, अब मेरा क्रोम में आ जाता हूँ। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक मेटा डाटा क्रिएट करना है। मेटा डाटा, मेटा डाटा बेसिकली होता क्या है, एक ये मैनिफेस्ट फाइल में ऐड करना है। ये वाला कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मैं एक डमी के लिए दिखा रहा हूँ। रुकिए, ये ऐप आईडी देना पड़ता है। मैं अभी ये डमी के लिए दे रहा हूँ, तो ये मैं एक डमी कॉपी यूज कर रहा हूँ। आप रियल लाइफ पे यूज करना है तो एडमोब अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना एडमोब। उसके बाद एडमोब अकाउंट क्रिएट करने के बाद, एडमोब अकाउंट क्रिएट करने के बाद, उसके बाद जो ये वाला जो पेज है यहाँ पर साइन अप कर लेना। उसके बाद एक ऐप क्रिएट करना, ऐप का आईडी आपको दे देगा। यू आईडी को आपको यहाँ पर देना है। कहाँ पर देना? ये वाला जो कोड है लिखेंगे हम, ये वाला कोड में आपको देना है। ये वाला मैं कॉपी कर देता हूँ, आप अगर रियल लाइफ में है तो रियल आईडी दे देना। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर दी यहाँ से और ये मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में जा रहा हूँ। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो को जाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा? मैनिफेस्ट फाइल में जाऊँगा। मैनिफेस्ट फाइल में ये वाला जो है एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर कॉपी कर लेना। क्या कॉपी कर लेना? एप्लीकेशन। ये वाला पूरा कॉपी हो गया, तो मैं इसको मेटा डेटा को सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ। मेटा डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और मुझे एप्लीकेशन के अंदर देना है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मेटा डेटा के अंदर मेरा ऐप आईडी क्रिएट कर दिया। ऐप आईडी देखिए, ये बेसिकली डमी ऐप आईडी है। अगर रियल टाइप पे है तो रियल टाइप की एपआईडी देना, तभी आपको अर्निंग होगा। ओके, उसके बाद हम क्रोम पे जा जाते हैं। उसके बाद क्या क्या स्टेप है? ये बंदा जो है, ये वाला कोड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जो इनिशियलाइजेशन मोबाइल नेट्स, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आप जावा फाइल में आ जाइए। जावा फाइल में आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, जो बेसिकली ये इरर दिखा रहा है, इरर कुछ नहीं है, इसको माउस के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना। उसके बाद क्या दबाना? ऑल्ट एंटर। क्या दबाना? ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर दबाना, इंपोर्ट हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या दबाना? ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर दबाना, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी ऑल्ट एंटर दबाना, इंपोर्ट हो गया। ओके, बेसिकली इस कोड को देना पड़ता है। उसके बाद एक बैनर ऐड क्रिएट करेंगे हम, बैनर ऐड। उसके बाद यहाँ जब देखा पड़ा है इंप्लीमेंट बैनर है। ओके, इंप्लीमेंट बैनर, बैनर है। तो ये बना जो कोड है, ये मेन एक्टिविटी डॉट एग्जीमेंट का कोड है। इस कोड को पूरा कॉपी कर लेना। उसके बाद कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पर आ गया, मेरा एग्जीमेंट फाइल है। और यहाँ पर मैं एक बटन में एक बैनर ऐड दे देता हूँ, एक मैं बटन में बैनर ऐड दे देता हूँ। ये बना जो ऐड मेरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ये बना जो ऐड यहाँ पर मेरा बटन में दिखाई पड़ रहा है, ये बना ऐड मेरा क्रिएट हो गया। और ये बना जो ऐड यूनिट आई डी है, ये एक डमी ऐड यूनिट आई डी है, दिखाई पड़ रहा है 3940 3940। ये एक डमी ऐड आई डी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये टेस्टिंग पर्पज के लिए एडवर्टाइज आई डी है। अब अगर रियल लाइफ पे कर रहे हैं तो रियल लाइफ पे जरूर आपको ऐड आई डी देना और ऐप की आई डी देना। ओके, उसके बाद मैं क्रोम पे आ जाता हूँ। ये बना जो, उसके बाद ऐड व्यू, ये कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आ जाना। उसके बाद एम एड व्यू, ये वाला जो कोड है इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद आप एक्टिविटी में जाइए और यहाँ पर आप डिक्लेयर कर दीजिए। एम एड व्यू आपको पकड़ना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्राइवेट एड व्यू। प्राइवेट क्या देना? प्राइवेट एड व्यू, एम एड व्यू। ओके, मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एड रिक्वेस्ट यहाँ पर रेड करें, क्योंकि इसको ऑन्ट एंटर क्लिक करें। क्या करें? ऑन्ट एंटर, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ऑन्ट एंटर क्लिक करने के बाद इसको इंपोर्ट कर लीजिए एड रिक्वेस्ट, इसको इंपोर्ट हो गया। और ये बना जो एड व्यू आई डी है, आर डॉट आई डी डॉट, ये बना जो आई डी है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड व्यू और ये बना आई डी, और ये बना आई डी सेम होना चाहिए। तो मेरा एड अभी शो करेगा, दिखाई पड़े। और यहाँ पर कुछ स्टेप नहीं है, ये स्टेप आपको जाने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर आ गया और मेरा ऐप यहाँ एड अभी यहाँ पर शो करेंगे। इस ऐप को मैं मेरा रियल डिवाइस में रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ऐड कैसे होगा। ओके,